स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। तो हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कितने अलग अलग टाइप से होता है, और वहीं पे हमने ये भी समझा था कि कुछ फीमेल्स होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करती है और कुछ फीमेल्स इन एनिमल्स फॉलो द एस्ट्रस साइकिल। तो ये दोनों क्या है ये देखेंगे। तो इस सेशन में हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस को समझते हुए ऑकरेंस। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किन एनिमल्स में दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स मतलब वो सारे एनिमल्स जो ह्यूमंस के जैसे होते हैं, जैसे कि मंकीज, एप्स। सो मंकीज, एप्स और ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करती है। हालांकि जो एस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स में दिखाई देती है, जैसे कि काउज, रैट्स, शिप्स एक्सेट्रा। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत लंबी चलती है। इन ह्यूमंस ये 28 डेज के लिए चलती है, और इसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सिक्रेटिव फेज और आखिरी मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे ब्लीडिंग दिखाई देता है। जो एस्ट्रस साइकिल है वो बहुत कम दिनों के लिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन काउज ये सिर्फ 12 से 24 दिनों के लिए रहती है, और इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला ऑयस्ट्रस और हीट और दूसरा है एनोस्ट्रस। तो ऑयस्ट्रस और हीट वो पीरियड होता है जहाँ पे ओविलेशन होता है, जहाँ पे एग रिलीज होता है। तो इस दौरान जो सेक्स पैटर्न है वो भी अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फॉलो करती है फीमेल्स, उनमें कोई भी सेक्स अर्ज नहीं होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जो एस्ट्रस फॉलो करती है उनमें सेक्स अर्ज सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड में ही दिखाई देता है। यहाँ पे फीमेल्स कोई भी सेक्स अलाउ नहीं करती है, हालांकि जो एस्ट्रस साइकिल फॉलो करती है, जैसे कि काउज, शिप्स, ये सेक्स परमिट करती है सिर्फ और सिर्फ ऑयस्ट्रस फेज में, जहाँ पे ओविलेशन हो रहा है, राइट? और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की थिकन वॉल है, वो लूज हो जाती है विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो वहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसे भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो एस्ट्रस साइकिल है उसमें क्या होता है, वहाँ पे ये एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ नहीं किया जाता, हालांकि बॉडी उसे रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और इस वजह से वहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नजर नहीं आती। सो चलो इस सेशन को हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट्स फीमेल्स में दिखाई देती है, हालांकि एस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट्स में दिखाई देती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबे समय के लिए चलती है, हालांकि एस्ट्रस साइकिल जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम तीन हिस्सों में अलग अलग बांट सकते हैं, जो कि है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। और जो एस्ट्रस साइकिल है उसे हम ऑयस्ट्रस और एनोस्ट्रस इन दो फेजेस में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्स अर्ज बिल्कुल नहीं होता है फीमेल्स में, हालांकि एस्ट्रस साइकिल में सेक्स अर्ज होता है। और फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फॉलो करती है, मतलब प्राइमेट फीमेल्स जो है वो इस दौरान मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्स परमिट नहीं करती, हालांकि जो फीमेल्स एस्ट्रस साइकिल को फॉलो करती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ड्यूरेशन में सेक्स को परमिट करती है और बाकी समय में नहीं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल जो है यूट्रस की उसे शेड ऑफ किया जाता है विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग्स के साथ ये वॉल को बाहर निकाला जाता है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, इस वॉल को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं होता। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कीप लर्निंग।